माता का भवन। सो दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी जम्मू तवी से कटरा। ये इतना रश अर्ध कुंवारी गर्भजून की गुफा के लिए लगा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फेम्ड स्टोरीज। सो मैं अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आज 7 सितंबर है। कल सुबह मेरी 5:30 बजे की ट्रेन है और मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता। सोचा किसी रिलीजियस प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैं अंडमान एक्सप्रेस में जा रहा हूँ। वो आई थिंक 3:30 बजे कटरा पहुँचती है और मैंने सुना है कि जम्मू से कटरे के बीच में 5 बड़ी टनल्स और 30 के करीब छोटी टनल्स आती हैं। सो देखते हैं कि कैसा व्यू है वहाँ पे, मौसम कैसा है और रश तो अभी तो ठीक होगा, नवरात्रि में ज़्यादा होता है। सो मिलते हैं सुबह। दोस्तों
चुके हैं एंड ये व्यू देखिए, पहले बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और यहां से फिर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए पर्ची कटाने पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूं जहां से सबसे कम टाइम में पर्ची मिल जाएगी। एक मिनट रुको, दिखाता हूं मैं आप सबको। ये देखिए फ्रेंड्स, बस स्टैंड के सामने से ही रास्ता आता है इस जगह का। ये बिल्डिंग है निहारी का कम्प्लेक्स और यहाँ से आप पर्ची ले सकते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होता। ये देखिए, ये लोग पर्ची ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर बाणगंगा की तरफ, तब मिलते हैं आप सबको। हाँ जी दोस्तों, बाणगंगा पहुंच गए हम। नज़ारा देखो यार, ये है बाणगंगा और ये देखिए सभी नहा रहे हैं। नदी का कोई ठिकाना नहीं है, तो पड़ जाती है, कोई ठिकाना नहीं होता है। बहुत ही चिल्ड वाटर है सर, इतना क्लीन वाटर है। जय माता दी गाइस, अभी हम लोग चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, ये इतना रश अर्ध कुंवारी गर्भजून की गुफा के लिए लगा है। अभी आरती हो रही है तो द्वार बंद किए हुए हैं। हमने पर्ची ली तो है लेकिन अभी तो 200 नंबर चल रहा है, उसके बाद हमारा नंबर 379 है, तो मुश्किल है कल भी नंबर आना। वापसी की टाइम ट्राई करेंगे अगर नंबर आता है तो। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ, एक नंबर पे 50 लोगों को पर्ची मिलती है। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं दोस्तों। जय माता दी। जय माता दी गाइस, तो हम लोग सांझी छत पहुँच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और ये देखिए ये लोग सो रहे हैं। भोजनालय एक्सटेंशन काउंटर, तो अभी हम जस्ट निकल रहे हैं भवन के लिए, वहाँ जाके फिर देखते हैं क्या सीन है। चलो जय माता दी दोस्तों, बस हम भवन में पहुँचने ही वाले हैं। ये रास्ता भवन को ही जाता है, हार्डली किलोमीटर रह गया होगा।
एंड मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं फिर, जय माता दी। सो गाइस, फाइनली माता का भवन। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है यार। फाइनली द वे टू भवन। And this little doll, she is very active. जय माता दी दोस्तों। सो हमने 4 बजे माथा टेक लिया था, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की, फिर कुछ खा पी के अभी हम भैरवनाथ के लिए निकल रहे हैं। ये सामने भवन है और ये इधर से भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। ये देखिए सिर्फ 2 किलोमीटर ही है, 6 बजे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। जय माता दी दोस्तों, मिलता हूँ बाद में। गाइस पैरो मंदिर में बहुत ज़्यादा रश है, व्यू पॉइंट फ्रेंड्स। यहाँ की सबसे फेमस आइसक्रीम, वो भी पान के पत्तों में। हाँ जी दोस्तों, फाइनली बैक टू बाणगंगा। थोड़ा सा ही रह गया, फिर उसके बाद कटरे से देखते हैं ट्रेन का क्या सीन है। हाँ जी दोस्तों, बस पहुंचने ही वाले हैं। जो मेन वैष्णो देवी का द्वार है, वाइट कलर की बिल्डिंग जो दिखाई थी ना, हाँ बस वहीं पे पहुंचने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 4:45 कटरे पहुँचे थे और हमारी ट्रेन थी 4:15, तो इसलिए मैं मेन एंट्रेंस पॉइंट पे नहीं जा पाया, जो वाइट सी बिल्डिंग है वहाँ पे। और अभी इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ एंड मैं आपको व्यू दिखा दूँगा एक बार फिर से। ये देखिए, ये व्यू है कटरा से उधमपुर के रास्ते के बीच में। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। आप पीछे देख रहे हैं कैमरा वगैरह पड़ा होगा, बैग पड़ा है। आज अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे पहुँचा हूँ घर 10 सितंबर को। परसों निकले थे सुबह 5:30 बजे, बहुत थका हुआ हूँ, बुरी हालत हो रही है। अभी तो बस ब्रेकफास्ट करके सो जाना है, 2 दिन हो गए सोए नहीं। उम्मीद है आपको मेरा ये पहला ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जल्द ही नए ब्लॉग के साथ ज़रूर आऊँगा, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। सो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू, जय माता दी।